फ्रेंड्स, वायरल वेक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार, आज आईपीएल ऑक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2021 की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और तैयारियां शुरू होते ही आज जो था आईपीएल ऑक्शन था, जिसमें कि जो खिलाड़ी थे उनका ऑक्शन होना था। तो आप देख सकते हैं, ये सामने कुछ स्क्रीन पे प्लेयर्स हैं जिनका जो नीलामी हुआ है, वो रेट आप सामने देख सकते हैं, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल है 14 करोड़ 25 लाख, जे रिचर्डसन 14 लाख में बिके हैं, कृष्णप्पा गौतम 9 करोड़ 25 लाख में, रिले मैड्रिड 8 करोड़ में बिके हैं। तो इस तरह से आप खिलाड़ियों का प्राइस देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीज़न में जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं नीलामी में, वो हैं क्रिस मॉरिस, जिनका जो बेस प्राइस था मात्र 75 लाख रुपये था। ठीक है, लेकिन वो जो बिके हैं 75 लाख रुपए का उनका बेस प्राइस था, बट वो उनका जो नीलामी हुआ है वो 16 करोड़ 25 लाख रुपए में हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा मतलब सही बोला जाता है कि आईपीएल राजा महाराजाओं का खेल है, और बिल्कुल उस चीज़ को प्रूफ किया है। जिस खिलाड़ी का बेस प्राइस 75 लाख रुपये है, उस खिलाड़ी को ख़रीदा गया है 16 करोड़ 25 लाख रुपये में। तो जिस खिलाड़ी का 75 लाख रुपए प्राइस हो, वो खिलाड़ी 16 करोड़ 25 लाख रुपए में बिक रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आईपीएल कितना बड़ा एक गेम प्लान है। अब चलिए आईपीएल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस जो है, वो गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि आज की डेट जो है, आज ही आईपीएल का ऑक्शन हुआ, आज बृहस्पतिवार के दिन इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों की नीलामी में इतिहास के सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये एक रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि आज तक के आईपीएल सीज़न में कभी भी इतने कॉस्टली प्राइस पे किसी खिलाड़ी को परचेस नहीं किया गया था, जितना कि प्राइस पे क्रिस मॉरिस को परचेस किया गया है। क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने ख़रीदा है, जबकि गौतम जैसे अनकैप्ड खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, वो भारी भरकम सौदे के साथ सुर्खियों में छा गए हैं आज के डेट में। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीएल इतिहास में जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं उनका प्राइस क्या था। तो आईपीएल इतिहास में 2021 में रिचर्डसन थे, जो पंजाब की टीम ने खरीदी थी 14 करोड़ रुपए में। उसके बाद युवराज सिंह थे, जो 2014 में आरसीबी ने उन्हें 14 करोड़ में ख़रीदा था। फिर 2021 में मैक्सवेल हैं, जिनको 14 करोड़ 25 लाख रुपये में आरसीबी ने ख़रीदा है। उसके बाद 2017 में बेन स्टॉक्स थे, जिनको 14.5 करोड़ रुपये में पुणे की टीम ने ख़रीदा था। उसके बाद 2021 में जैमिशन को 15 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है, इस बार का जो सीरीज़ होने वाला है आईपीएल का सीज़न। उसके बाद आपका पैट कमिंस, जो कि 15.5 करोड़ रुपए में ख़रीदे गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा 2020 में। उसके अलावा 2015 में युवराज सिंह पर जो बोली लगाई गई थी, वो 16 करोड़ रुपये की बोली लगाई गई थी। तो इस तरह से ये आईपीएल इतिहास के टॉप मतलब कॉस्टली प्लेयर्स हैं, जिनको सॉलिड दामों पे ख़रीदा गया है। स्पिन गेंदबाज ऑलराउंडर गौतम को चेन्नई सुपर किंग्स ने रिकॉर्ड 9 करोड़ 25 लाख रुपए में ख़रीदा है। 32 साल का यह खिलाड़ी फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज़ के लिए नेट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक स्पिनर गौतम को भी 9 करोड़ 25 लाख रुपये में ख़रीदा जा रहा है, तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्लेयर है। अब चलिए बात कर लेते हैं टीम्स की। तो जैसा कि आपको पता है, आईपीएल में टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स हैं। ये टोटल 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं आईपीएल में। और अब बात कर लेते हैं कि इन 8 टीमों ने इस साल किन नए खिलाड़ियों को परचेस किया है। तो मुंबई इंडियंस ने इस साल नाथन कुल्टर, नाइल एडम मिलने, पीयूष चावला, जेम्स निशाम, युद्धवीर चरक, मार्को जेंसन और अर्जुन तेंदुलकर को परचेस किया है, अपने टीम में ऐड किया है। तो अर्जुन तेंदुलकर, मैं बता दूं, सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, जो कि इस साल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपीएल में, और उनकी एंट्री हो चुकी है और इनको 20 लाख रुपए में ख़रीदा गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। अब राजस्थान रॉयल्स ने जो नई प्लेयर्स को परचेस किया, वो है मॉरिस, शिवम दुबे, चेतन सकारिया, मुस्तफिजुर रहमान, लियाम लिविंगस्टोन, केसी करियप्पा, आकाश सिंह और कुलदीप यादव। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने काइल जेम्सन, मैक्सवेल, डैन क्रिस्टियन, सचिन बेबी, रजत पाटीदार, अजहरुद्दीन, सुयश प्रभुदेसाई, कोना श्रीकर, भारत, इन प्लेयर्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस बार के ऑक्शन में अपने टीम में शामिल किया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने केदार जाधव, मुजीबुर रहमान, जी सुचित को ऐड किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कृष्णप्पा गौतम, मोइन अली, चेतेश्वर पुजारा, के भगत शर्मा, सी हरिनिशांत, एम हरिशंकर रेड्डी को ऐड किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉम करन, स्टीव स्मिथ, सैम बिलिंग्स, उमेश यादव, रिपल पटेल, विष्णु विनोद, लुकमन हुरेशन, मोरीवाला, एम सिद्धार्थ को अपने टीम में ऐड किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, प्रीति जिंटा ने शाहरुख खान को खरीद लिया है।
इस टॉपिक पे मैं एक अलग वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप देख सकते हैं जो प्राइस लिस्ट है, आप यहाँ सामने देख सकते हैं प्लेयर्स का, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल भी डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने में शर्म ना करें, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा। और वैसे भी आज रात तक मेरा 20K सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट कि इससे जल्दी से जल्दी 50K सब्सक्राइबर तक पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही।